बीजेपी नेता कुलमणि बराळंग हत्याकारीको तुरंत गिरफ करिबा पई बीजेपी युवा मोर्चा तरफ आसिका थाना घेराउ। कटक जिला महांगा ब्लॉक रो नृत्यांगरे भाजपा नेता कुलमणि बराळ और दिव्यसिंह बराळंग हत्या घटना रे आईन मंत्री प्रताप जेनांग संप्रुक्ति को नहीं भाजपा युवा मोर्चा पक्षरु गंजाम जिला आसिका थाना सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन कर भाजपा कर्मी माने थाना सम्मुखें मंत्री प्रताप जेना कुश पुतला दाह करने मंत्री को बहिष्कार करने समस्त अपराधी को तुरंत गिरफ्त करने को दावी करछन्ति। मंत्री प्रताप जेना निज पदरु तुरंत इस्तफा दिंतु बोली भाजपा कर्मी माने थाना सम्मुखें विक्षोभ प्रदर्शन करछन्ति। एही कार्यक्रम में गंजाम जिला बीजेपी युवा सभापति प्रमोद पंडा युवा नेता सरोज भंज रवींद्र पोलाई दुर्गा आचारी टुल्लु जेना गिरीजा दास प्रमुख शताधिक बीजेपी कर्मी जोगदे डबल मर्डर घटना को दृढ़ निंदा करने सह मुख्य अभियुक्त को पुलिस यथाशीघ्र गिरफ्त करने को दावी करछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट जिला खबर। भारतीय जनता युवा मोर्चा सभापति देखु ओडिशा आमर है अहिंसार माटी एठारे जो राजनैतिक शत्रुता रखी हत्या करा जाउछु एवं पुलिस जो आर चाटुकार सजुच यह एक दुर्भाग्यजनक महांगा निर्वाचन मंडल आमर एक्स ब्लॉक अध्यक्ष थिले आमर कुलमणि बराळ सहयोग को निर्मम भाव हत्या कर दुई दिन तले घर को जाई पुओ जो बाहर छिड़ा होते से बीजेडी प्रताप जेना गुंडा मैंने जाटे गंडगोल कर आसपर दुई दिन पर मृत्युमुख को पड़ी मुख्य दाबी है प्रताप जेना सहित जिते लोक अभियुक्त अच्छा से मानक जो तीन शौ दुई तीन शौ बहुत संगीन दफा लगला सत्ते प्रताप जेना निजे इस्तफा दवा कथा बा दलर जो मंत्री पदर बहिष्कार करने कथा कराएनि आमर आज दाबी है युव मोर्चा पूरा 147 विधानसभा 147 थाना आगे आम आज विक्षोभ करूँ प्रताप जेना को पुलिस अरेस्ट करूँ एवं बीजेडी सरकार प्रताप जेना को मंत्री पदर बहिष्कार करूँ ना आगामी दिन में भारतीय जनता युव मोर्चा आर पदक्षेप नब आ घर विरोध कर जानते महांगारे बीजेपी गोटे वरिष्ठ नेता हत्या करागला संध्या 7 घंटा समय से खुद आपणकर आईन मंत्री प्रताप जेना संप्रक्त अच्छा कितु दुर्भाग्यर विषय प्रताप जेना एफआईआर ना थी सत्वे मुख्यमंत्री आज पर्यंत बहिष्कार करना से मुद्दा को नहीं भारतीय जनता पार्टी आम राज्य युव मोर्चार सभापति आग्रह क्रमे क्रियाशीष भाई को आग्रह क्रमे आम आज 147 विधानसभा आज विक्षोभ प्रदर्शन सहित आईन मंत्री को कुशपुत्र दाह कर आईन मंत्री बहिष्कार न हुए तो बीजेपी राजरास्ता खुल दरकार पड़े राजरास्त रास्तारोक कर।